वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। देखो, आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सामने वाले के अंदर फीलिंग ख़त्म हो चुकी है तो जगाओगे कैसे। हमेशा याद रखना, आप उन्हें इरिटेट मत करो, ठीक है। आप उनसे क्वेश्चन मत करो। दुनिया का सबसे बड़ा फंडा बताऊँ क्या, अगर आप क्वेश्चन करने लग जाते हो सामने वाला इरिटेट होने लग जाएगा कि तू मेरी लाइफ में क्यों घुस रहा है। क्योंकि किसी को नहीं पसंद कि वो हमारी लाइफ में घुसे। अगर ज़्यादा तुम किसी की लाइफ में घुसना चाहोगे तो सामने वाला तुमसे दूर भागना चाहेगा। ज़्यादा तुम उसे प्यार जताओगे कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा, मैं मर जाऊंगी, मेरे को प्यार करो, मेरे को समझो, मेरे सब कुछ छोड़ दिया, तो सामने वाला इरिटेट हो गया। छोड़ दिया तो कोई एहसान कर दिया गया, सामने वाला आपको ताने मारेगा। देखो, फीलिंग एक ऐसी चीज़ है, वो ख़त्म कब होती है, जब हम सामने वाले का कॉल अटेंड कर लेते हैं एक बार में, मैसेज का रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसे कुछ चाहिए वो अवेलेबल करा देते हैं, उसकी सारी बातें मानने लग जाते हैं, तो हम कहलाते हैं सस्ते। हमारी औकात हो जाती है जीरो। हमें अपनी औकात अगर बिल्ड करनी है तो हमें जाना ही नहीं है, एफर्ट्स ही नहीं लगाने। देखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अगर मेरे को घर बैठे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वीडियो क्यों डालूंगा, पैसे उड़ाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। पैसे नहीं मिलेंगे तभी मैं हार्डवर्क करूंगा, बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, ठीक है, वीडियो डालूंगा। तो रियल ऑफ फैक्ट यही है ना। अब सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, आप उठा रहे हो, सामने वाला मैसेज कर रहा है, आप अटेंड कर रही हो, कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला मिलने बुला रहा है, आप भाग रही हो, भाग रहे हो, सामने वाले ने आपसे 10 दिन बात नहीं करी, फिर वो कॉल कर रहा है, आप जा रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो आपकी इज्जत क्या रहेगी? जीरो। बाबा जी का लुल्ला आपको मिलेगा। इज्जत कब बढ़ेगी? जब आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जब आप खुद से जाओगे नहीं, ठीक है, जब आप को नीड है तब वो कॉल नहीं उठा रही, नहीं उठा रहा, मैं बिजी हूँ, दोस्तों के साथ जा रही हूँ, इंस्टाग्राम आपने पासवर्ड दे दिए, डीपी आपने उसकी लगा ली, बट वो कहीं आपको शो नहीं कर रहा, नहीं कर रही, और आप तड़प रहे हो, तो आप खुद समझो ना कि सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा, आप उसके पीछे पागल हो गए। आप सब चीज़ें दे रहे हो, सामने वाला आपके पीछे पागल नहीं हुआ। साइकोलॉजी क्या करती है? टिट फॉर टैट। अगर आप कम चीज़ें करोगे सामने वाला आपकी लाइफ में घुसना चाहेगा, क्योंकि आप एक बंद किताब हो। अब आप खुली किताब बन गए तो कुछ है ही नहीं, इसमें खुल गई है तो सपाट हो गए, बंद किताब है तो वो उसको खोलना चाहेगा, ऐसे ऐसे खोलेगा। तो आपका पार्टनर बंद किताब हो और आप खुली किताब हो, तो इसलिए आपको प्यार नहीं मिल रहा और आप इसको खोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये एकदम बंद है। तो आपको अब बंद हो जाना है, खुली से बंद हो जाओ, फिर पार्टनर आना चाहेगा, आपको खोलना चाहेगा, खुलोगे आप, फिर उसको प्यार होगा, फिर आप धीरे से खुलोगे, फिर आप बंद हो जाओगे, तो आपका प्यार बिल्ड होता जाएगा। जैसे आप कॉल मैसेज जल्दी अटेंड मत करो, उनको कुछ नीड है तो मना करना सीखो, जो मना करता है उसकी वैल्यू हाई होती है। आप सोचते हो अरे यार अगर मैंने मना कर दिया वो क्या सोचेगी, वो मना कर देती है, आप कुछ सोचते हो नहीं, आप और उसके पीछे पागल होते हो। आपको पता है आपका उल्लू कट रहा है, आप उल्लू बन रही हो, आप तड़प रहे हो, पर सामने वाला यही कहेगा रहना है तो रहे, नहीं रहना तो निकल भाग यहाँ से, ठीक है। और आप यूँ ही कहोगे यार मैं तेरे लिए ये चीज़ें कर दूंगा, उसके कुछ भी दर्द हो गया दांत में या सर में, आप तुरंत भाग के उसको लेकर ले भाई हॉस्पिटल चल, तेरे को वहाँ ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ दिखा दूंगा, और वो सामने वाला आप दर्द में हो, तड़प रहे हो, उसको पड़ी नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फॉल्ट हो, क्योंकि आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। एफर्ट्स लगाना बंद करो, प्यार बिल्ड हो जाएगा, दुनिया आपके पीछे भागेगी। फीलिंग एक ऐसी चीज़ है, हम खुद ख़त्म करते हैं, एक रियलिटी है। अब आप सोचो एकदम से आप जा रहे हो कहीं जॉब पे, ठीक है, और आपको यूँ कह दिया जाए आप जॉब मत करो, ज़िंदगी भर आपको पैसे मिलेंगे, आप अय्याशी करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, आप पैसा उड़ाओगे, विदेश जाओगे, आप हर शौक पूरे कर लोगे। जिस दिन पैसा ख़त्म, आपको ज़रूरत महसूस होगी, खाना खाना है आपको, पानी पीना है, आप काम करोगे, कमठाना करोगे, आप बेरोज़गार हो जाओगे, आप तगारी उठाओगे, ठीक है, आप फल फ्रूट भी बेच सकते हो, आप ठेला भी लगा सकते हो, जो काम आपको लग रहा है ना कि यार नहीं वो काम भी आप करोगे। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जज नहीं करना चाहिए कब किस्मत ख़राब हो जाए, हर काम की एक वैल्यू है, ठीक है। तो आपको उस काम की फिर वैल्यू होगी कि यार मैं आज कमठाना कर रहा हूँ, आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, आज मैं सब्जियाँ बेच रहा हूँ, आज मैं फल फ्रूट बेच रहा हूँ, आज मैं लोहे की दुकान पर काम कर रहा हूँ, आज मैं पुस्तक वगैरह बुक्स वगैरह बेच रहा हूँ, तो आपको उस काम से प्यार हो जाएगा कि नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इससे मेरा घर चल रहा है, इससे मैं खुश हूँ। तो फिर आपकी सोच बदलेगी, फिर आप उसकी वैल्यू करोगे। तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू से लिए नहीं कर रहा, क्योंकि आप आसानी से मिल गए। जब आपको लात पड़ी, आपका पैसा छीना गया, तो आपने काम स्टार्ट करा, आप भागे, आप मैदान में आए, तो आपको वैल्यू हुई हर छोटे काम की, जिनको आप कुछ नहीं समझते थे। तो वैसे ही अगर आप अवेलेबल नहीं रहोगे, कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा नहीं करोगे, आप ये सोचोगे वो किसी और लड़के के साथ चल जाएगी, और लड़की के साथ भाग जाएगा, तो फिर वो प्यार ही नहीं है, फिर वो मतलब से रिलेशन रख रहा हो, मतलबी लोगों से दूर रहो, जो सेल्फिश हो। पैसा देखते तो दुनिया प्यार कर लेती है, ज़रूरत से तो दुनिया प्यार कर लेती है, ऐसा प्यार करो ना, फिर आपको एहसास होगा, कुछ चीज़ें पता चलेगी और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी और आप एकदम अपनी लाइफ को मस्त से जियोगे। तो फीलिंग को अप कर सकते हो,
जो डाउन हो चुकी है, तो ऐसे आप करो। और अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो नंबर मेरे भाई स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डायरेक्ट आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम जड़े नशे निकाल के आपको सोल्यूशन दूंगा बड़ा प्यारा। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।